सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, इट्स आकाश। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक डिवाइस को जो कि काफ़ी हेल्प करने वाला है अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन से या अपने एक्शन कैमरा से। तो आओ चलते हैं और अनबॉक्स करते हैं उसको। तो गाइस, ये फ्लेक्सिबल ट्राईपॉड जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, काफ़ी जल्दी डिलीवर हो गया ये। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। और हाँ, मैं बता दूँ आपको, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। एनीवे, चलो अनबॉक्स करते हैं इसको और देखते हैं क्या है कंटेंट इसके अंदर। तो इसमें मिलता है आपको मोबाइल होल्डर ब्रैकेट और साथ में रहा ये ट्राईपॉड। लाइट वेट तो नहीं है, थोड़ा हैवी है जो कि अच्छी बात है। तो गाइस, मटेरियल क्वालिटी अच्छी है। नीचे में है इसमें ABS रबर जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड करेगा। ये बाय द वे बना है स्टील एंड प्लास्टिक का, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है नो डाउट। और बिल्ड क्वालिटी मेरे को ठीक ठाक लग रही है। बाय द वे, इसको हम टेस्ट करेंगे DSLR पे, इसको टेस्ट करेंगे हम एक्शन कैमरे पे और मोबाइल पे भी। तो बने रहिए इस वीडियो में। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और इससे क्या होता है ना कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो अपलोड करने का मन करता है और काइंड ऑफ मोटिवेशन भी मिलता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स। तो गाइस, मटेरियल वाइज तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाऊं तो एक वीक के बाद मैं एक वीडियो यूज़ करने के बाद बता दूंगा। और ये यहाँ पे है एक बटन जिसके थ्रू आप यहाँ पे एक माउंट लगा सकते हो। इस माउंट के थ्रू आप अपने एक्शन कैमरे को या अपने DSLR को लगा सकते हो और ये बटन प्रेस करने से ये वापस निकल जाएगा। तो फ्लेक्सीबल है काफ़ी नो डाउट। और इसको लॉक करने के बाद एक आवाज़ आती है टक्सी, जो कि ठीक है। और इस बटन को दबाने से आप इसको ईज़िली निकाल सकते हो। और हाँ, पैकेज में मिलता है आपको एक मोबाइल होल्डर ब्रैकेट जिससे आप अपने फ़ोन को इस ट्राईपॉड में होल्ड करा सकते हो। और इसमें दोनों साइड रबर है ताकि आपको आपके फ़ोन को एक अच्छी पकड़ मिले। बात करते हैं अब, सबसे पहले इसमें इंस्टॉल करके देखते हैं एक एक्शन कैमरा जो कि है ये मेरा SA Cam। इसको इसमें इंस्टॉल करके देखते हैं और देखते हैं कि लगाने के बाद इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। कई मैंने एक्शन कैमरा लगा दिया इसमें और कुछ ऐसा लग रहा है, देखने में नो डाउट काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि ज़्यादा हल्का नहीं है और ये वाला जो है मटेरियल काफ़ी अच्छा है जिससे ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलती है इस कैमरे को। इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे इसको कैसे कैसे और किधर किधर इसको हम लोग लाइक माउंट कर सकते हैं, इसकी फ्लेक्सीबिलिटी को भी टेस्ट करेंगे हम। तो गाइस, अब टेस्ट करते हैं इसको फ़ोन के साथ और देखते हैं फ़ोन के साथ इसका कैसा रिस्पांस है। और ये बस निकालना काफ़ी इजी है, बटन दबाओ और ये बाहर आ जाएगा। तो मैंने फ़ोन को उसके माउंट पे लगा दिया, काफ़ी इजी है और इसको अच्छी ग्रिप मिलती है बिकॉज़ यहाँ पे दो रबर्स दिए हुए हैं। तो गाइस, इस प्रोडक्ट का प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। और साथ ही साथ अगर आपको इस प्रोडक्ट को बाई करना होगा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगा। टक्सी आवाज़ आई, मतलब ये लॉक हो गया है। और आप देख सकते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, मतलब काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी हैंडी भी है। इसको होल्ड करना बहुत ईजी है, मतलब काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल रही है मुझे होल्ड करने पे। अगर आप फ़ोन से ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है आपके लिए। तो चलिए, आप थोड़ा चल के देखते हैं और देखते हैं चलते हुए ये फ़ोन को कैपेबल है या नहीं होल्ड करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ और हाथ जो है वो स्टेबल नहीं है, बट स्टिल इसने फ़ोन को काफ़ी अच्छे से टाइटली होल्ड करा हुआ है जिससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि फ़ोन गिर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसने फ़ोन को करा हुआ है होल्ड। तो चलिए, अब टेस्ट करते हैं इसके फ्लेक्सिबिलिटी एंड इसके कैपेबिलिटीज़ को। मैंने इस फ़ोन को इस ट्राईपॉड के थ्रू यहाँ पे माउंट करा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। ऑल्दो यहाँ पे काफ़ी हवा चल रही है बट स्टिल ये काफ़ी स्टेबल है। तो गाइस, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल एक टाइम लैप्स इस ट्राईपॉड के थ्रू, देखते हैं कि वीडियो स्टेबल आती है या नहीं। वैसे ये टाइमलेस मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, इसे आप इजीली जज कर पाओगे कि वीडियो स्टेबल आती है या नहीं इस ट्राईपॉड के थ्रू। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको माउंट किया हुआ है टाइमलेस के लिए और ये काफ़ी ईजिली काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो काफ़ी ईजिली ये कहीं भी माउंट हो जाता है। एनीवेज, अब इसको माउंट करके देखते हैं DSLR कैमरे में। तो गाइस, मैंने इसको अपने कैमरे में माउंट कर दिया है। वैसे DSLR कैमरा थोड़ा हैवी होता है, वैसे ये 3 kg तक काफ़ी ईजिली हैंडल कर लेता है ये ट्राईपॉड। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने पूरी वीडियो तो लगभग देख ली है बट उसने अभी तक कहीं प्राइस नहीं बताया। तो मैं बता दूँ, इस
ट्राईपॉड को मैंने ख़रीदा था 424 रुपीज़ में, काफ़ी चीप एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं अपने फ़ोन से, एक्शन कैमरे से या DSLR से, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एनीवेज गाइस, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। लेकिन जाने से पहले एंजॉय करो आप छोटा सा एक टाइम लैप्स।